बीजेपी का जो अपना चरित्र है ना, पहले वो सुधारे। यदि वो सिर्फ हिंदू मुसलमान और इधर देख के बोलिए सर करना छोड़ दे तो सरपंच में चुनाव बीजेपी नहीं जीती। सर सामने देखिए, वर्ल्ड की इकोनॉमी समाप्त कर दिया है, लोगों के जेब और लोगों की जिंदगी हराम कर दी। अब बीजेपी के जो नेता लोग बोलते हैं ना, तो नरेंद्र मोदी से, अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछ लेना नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश खराब अच्छा 16 साल नीतीश के साथ ये लोग राज किए हैं ना, भोगे हैं ना। अब नरेंद्र मोदी किस मुंह से बोले थे विशेष राज कर देंगे, फर्स्ट में गांधी मैदान में। लालू यादव का खानदान या लालू यादव का पार्टी किस मुंह से कह रहा है विशेष राज का लड़ाई लड़ेंगे बिहार बंटवारा में, तो लालू यादव का हाथ है और बीजेपी का बोला था लास्ट पर हम बटेगा और बांट दिया, यहाँ अपने परिवार के लिए वहाँ बीजेपी वाला अपने लिए। तो बिहार की चिंता तो किसी ने नहीं की, बिहार के 14 करोड़ लोगों की, न लालू यादव जी न बीजेपी। अब फिर बोला कि हम देंगे विशेष राज, आड़ा में बोला 11 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 3 लाख ले लो, क्या हुआ? तो ये जो औकात बताते हैं, तो स्पीकर उसी का, गवर्नर उसी का, कलम और हाथ भी उसी का, चिट्ठी दो समर्थन वापस लो, चलो चुनाव में औकात का पता चल जाएगा। संजय जायसवाल कह रहे हैं कि 6 साल से बाप रे बाप छेदी कह दिया, कहीं हाथ मिला लेंगे। अरे ऐसा आदमी से जब वो दाऊदे से हाथ मिलाएगा, लालू यादव जी भी सपोर्ट कर दिए, तो लालू जी 2 साल तो आप सत्ता में रहे नीतीश जी से मिल गए, तो इतना गंदा आदमी के साथ कैसे सत्ता में रहे 2 साल? बेटा को डिप्टी सीएम बनाने के लिए आप भी तो दाऊदे से हाथ मिला लिए। बेटा को डिप्टी सीएम, यदि नीतीश कुमार दाऊद से हाथ मिलाता है तो बेटा को तो डिप्टी सीएम बनाने के लिए दाऊद से हाथ मिला लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, रूढ़ी बोलता है, रूढ़ी भैया रूढ़ी क्या बोली है उसको, तो भ्रष्टाचार में हटाया, चरित्र और बेईमानी के नाम पर हटाया, जो डिपार्टमेंट मिला उसमें भी घोटाला कर दिया। अब इन लोगों के बारे में हम कुछ नहीं कहना, बचा घोषणा हो गई तो बीजेपी को ख़त्म करना है ना, तो बिहार और देश की जनता को कांग्रेस को सिर्फ आगे लानी पड़ेगी। ये जो छुटभैया पार्टी सब है, यहाँ औकात का पता चल जाएगा। कांग्रेस के भरोसे आज तक लालू यादव चलते रहे यहाँ, ये सेकुलर का बड़ा सेहरा जो लालू यादव जी को मिला वो कांग्रेस की देन है, और आज भाजपा की बी टीम उनके जो नेतृत्व जिसके हाथ में दिए हैं वो भाजपा की बी टीम बन करके जो खेल रहे हैं अपने ईडी से बचने के लिए। तो इसीलिए एक बात बहुत क्लियर है कि औकात जो दिखाते रहते हैं वो समय समय पर, कभी CPI को दिखाए थे, कभी CPM को, और कभी माले को, और जब जरूरत आया तो उसका पैर पकड़ लिया और गर्दन पर, अब कांग्रेस का घेंच पकड़ रहे हैं गर्दन। तो कांग्रेस एक बार निर्णय ले तो पता चल जाएगा, ना समझ राजनीतिक राजद के जो ना समझ लोग हैं जो पॉलिटिकल इवेंट्स का गंदा खेल खेलते रहते हैं, औकात का पता चल जाएगा बिहार में, कांग्रेस निर्णय लेके बढ़े तो समझ में आ जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।